कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल ने एक बार फिर सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जहां ताजा मामला बीएससी थर्ड ईयर के सैकड़ों विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। इस बार कुमाऊं विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन के दौरान बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय में 0 अंक थमा दिए हैं, जहां 50% से अधिक परीक्षा फल में 0 अंक देखने के बाद विद्यार्थियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। गुस्साए विद्यार्थियों ने नारेबाजी कर एमबीपीजी कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो रिजल्ट है उसमें हमें नंबर बहुत कम दिए गए हैं, मूल्यांकन अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए 22 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था। 23 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमारा जो मूल्यांकन है वो दोबारा हो, कोई अपडेट आए अच्छी, मतलब मूल्यांकन दोबारा हो और हमारे कॉपी रीचेक की जाए, इसकी हमने एप्लीकेशन दी थी। जिस यहाँ पर से हमें कोई भी मतलब हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया गया ना कोई। हमारा बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है, रिजल्ट देख के हम सब लोगों के होश उड़ गए। जितना पूरा पेपर में करके आए थे ऐसी उम्मीद थी फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा ही नंबर आएंगे, पर यहाँ हालात ऐसे हैं कि बच्चों के 0-0 नंबर आ रखे हैं, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में 0-0 नंबर आ रखे हैं, और जो पास हो रखा है उसको इस तरीके से पास कर रखा है मतलब भीख में नंबर दे रखे हैं। और ऐसे का एक ग्रुप आज आया मेरे पास जिसमें वो बताते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं और कोई बच्चे उसमें एब्सेंट दिखाई दिए गए हैं। उसकी सूचना हमने तत्काल परीक्षा नियंत्रक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को दे दी है कि वो उसका समाधान करे।